हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और जैसे हमने शुरू किया हुआ गुडविल की वैल्यूएशन, सो आवर नेक्स्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट पर बेस्ड होगी। अब बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस मेथड, पहले हम एक बार स्टडी कर लेते हैं कि इस मेथड के बैकग्राउंड क्या है। लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमने समझा था कि प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, यही प्रूफ है कि उसकी गुडविल है। ठीक है, जैसे एक अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं वहां पर डिफरेंट शॉप्स हैं। ठीक है, कोई 10,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कोई 20,000 अर्न कर रहा है, कोई उसमें 15,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, सो डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो ये मान के चलता है कि जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता तो वो बिजनेस छोड़ के चला जाता है। सो हमारे बिजनेस के पास प्रॉफिट है, यही प्रूफ है कि हमारे बिजनेस की गुडविल है। सो प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट क्राइटेरिया ले लेते हैं गुडविल को वैल्यू करने का। बट सुपर प्रॉफिट मेथड को मानने वाले इसके प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं कि गुडविल का क्राइटेरिया प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो हम वैसे भी अर्न कर सकते हैं। अगर मेरे पास पैसा है, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपीज है, तो जरूरी है मैं बिजनेस में डालूं। अगर वो पैसा मैं बैंक में भी डाल देता हूं तो भी मुझे उस पर 5-6% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो मैं मार्केट में दे देता हूं किसी को लोन पे या किसी भी तरह से, तो बिना कुछ किए, बिना किसी एफर्ट के भी वो मुझे से 10% रिटर्न दे रहा है। रिटर्न का मतलब है 10% इंटरेस्ट दे रहा है, इजंट इट? सो हमें एक नॉर्मल रिटर्न तो हर बिजनेस में एक्सपेक्टेड होता है। सो जो बिजनेस उस नॉर्मल रिटर्न से ऊपर देता है उस बिजनेस की गुडविल है और बाकियों की नहीं है। सो सपोज इस बिजनेस में मान लो 10% के बेसिस पे से 10,000 रुपीज नॉर्मल रिटर्न है। ठीक है, उनकी कैपिटल मान लो 1 लाख है। सो इस पर नॉर्मल रिटर्न हो गया 10,000। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो दो बिजनेसेस हैं, ये जो नॉर्मल रिटर्न कमा रहे हैं, इनकी कोई गुडविल नहीं है। एज अगेंस्ट दिस, इस बिजनेस में क्योंकि ये 10 से थोड़ा ऊपर कमा रहा है, कितना? 5,000। सो इसकी गुडविल है। और इस दूसरे बिजनेस की, क्योंकि ये उससे और ज्यादा कमा रहे, उससे 10,000 ज्यादा कमा रहे, सो इसकी गुडविल और भी ज्यादा है। सो गुडविल का क्राइटेरिया प्रॉफिट नहीं है, गुडविल का क्राइटेरिया है सुपर प्रॉफिट। जैसे सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट से कुछ ज्यादा। सो जो नॉर्मल हमें रिटर्न मिलना है, जो नॉर्मल हमें प्रॉफिट मिलना है अपने पैसे पे, वो तो हमें बिना एफर्ट के भी मिल रहा है। ठीक है, मार्केट से मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है। सो जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, हम उस पर रिस्क भी ले रहे हैं, तो हमें उस नॉर्मल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो नॉर्मल से ऊपर हमें मिलेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे सुपर। जिसे आप जानते हो ना, सुपरस्टार किसे बोलते हैं? अब स्टार्स और एक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन आप किसी किसी को कहते हो कि ये सुपरस्टार है। सुपरस्टार का मतलब जो नॉर्मल स्टार्स हैं, जो नॉर्मल एक्टर्स हैं, उनसे थोड़ा ऊपर है। सो सुपर प्रॉफिट इज द क्राइटेरिया। सो गुडविल जब हम खरीदते हैं तो वो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे खरीदते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें मेनली दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको गुडविल लेनी है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, तो सुपर प्रॉफिट डिफाइन कर लो। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब इस बिजनेस में जो पैसा लगाया है उस पे जो नॉर्मल प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो सुपर प्रॉफिट है। सो इसका एक और मतलब है, अगर आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से कम है, मान लो नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 और एक बिजनेस सिर्फ 5,000 कमा रहा है, इसका मतलब उसकी गुडविल नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ जाएगा। सो अगर ये नेगेटिव आता है, दैट मीन्स इसमें गुडविल नहीं है। सो ये पॉजिटिव फिगर होगा तभी वो क्राइटेरिया बनेगा गुडविल का, क्योंकि आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। सो गुडविल कैसे रिकॉर्ड करते हैं? गुडविल इज द परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप गुडविल के लिए कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए गुडविल को परचेज कर लेते हो, उसके प्रॉफिट्स को परचेज करते हो। सो गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब इसमें जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। ये दो स्टेप्स हमें करने होंगे और इसके बाद हम इसके वर्किंग नोट्स बनाएंगे। सो जो मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ यही दो स्टेप्स हैं। इनकेस यू रिमेम्बर, एवरेज प्रॉफिट में भी हमारा
पहला स्टेप होता है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैलकुलेट गुडविल, जो कि है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है ना। सो वो एवरेज के बेसिस पे था, यहां पर क्या है सुपर प्रॉफिट के बेस पे है। अब कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं, तो वर्किंग नोट्स में क्या क्या बनेगा। नंबर वन क्या है, एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट तो हम लेते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, जितने भी लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स है, ठीक है, उनका एडिशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर आपने तीन साल के प्रॉफिट लिए हैं तो डिवाइडेड बाय थ्री, फोर इयर्स के प्रॉफिट लिए हैं डिवाइडेड बाय फोर, तो इस तरह से आप एवरेज प्रॉफिट सॉल्व कर लेते हो। बट इसमें एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम गुडविल वैल्यू कर रहे हैं। गुडविल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। सो आपको पास्ट के प्रॉफिट को बाय करना है, आप ये सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट खरीद रहे हो गुडविल के नाम से, इसलिए कि आप ये समझ रहे हो कि ये प्रॉफिट मुझे भी मिलेगा। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट लेने होते हैं वो रिपीट वैल्यू के साथ लेने होते हैं, तो यहां हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, विद एडजस्टमेंट्स। इसका मतलब ये हो गया कि इन प्रॉफिट्स में अगर कोई भी ऐसा अमाउंट है जो रिपीट नहीं होने वाला, जो नॉन रिकरिंग है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट उसका प्रॉफिट आ गया, या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, या कोई और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, कोई अब नॉर्मल लॉस हो गया, तो उनको हमें हटाना पड़ता है, उनके इफेक्ट्स को कैंसिल करना होता है। प्लस अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंडिचर आने वाला है उसको माइनस करेंगे। जैसे फ्यूचर में पार्टनर्स हैं, आप उनको सैलरी देते हो, तो अगर पार्टनर नहीं रहेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी मैनेजर को, मैनेजर रखोगे बिजनेस के लिए, सो वो यहां पर आप मैनेजर की सैलरी प्रोवाइड करोगे। या फ्यूचर में कोई और एक्सपेंडिचर आप सोच रहे हो, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, सो फ्यूचर के एक्सपेंसेस को आपको माइनस करना है और फ्यूचर के गेन्स को आपको ऐड करना है। सो आपको इस प्रॉफिट की रिपीट वैल्यू लेके उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सो जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमने सारी एडजस्टमेंट्स बहुत डिटेल में समझी थी, लाइक जो एरर हो गई है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में उनको सॉल्व करो, जो पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं, जो नॉन रिकरिंग एडजस्टमेंट्स पास्ट की हैं उनको एडजस्ट कर लो, फ्यूचर के चेंजेस को एडजस्ट कर लो। सो ये सब लेके फिर हम एवरेज प्रॉफिट सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड चीज क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो नॉर्मली इस तरह के बिजनेस में एक्सपेक्टेड है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न पे नॉर्मल प्रॉफिट को सॉल्व करते हैं। लेकिन अब ये प्रॉफिट किस पे मिलता है, जस्ट कंसिडर आप अपना दो बिजनेसेस को कंपेयर कर रहे हो, जैसे आपके किसी नोन पर्सन का या किसी कजन का या आपका खुद का ही बिजनेस है, ठीक है, आपसे कोई बात करता है, अच्छा कितना प्रॉफिट है आप बताते हैं, तो दूसरा कहता है कि अरे सेम बिजनेस में तो अंबानी इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, आप कहते हो मेरा 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है पर एनम, तो सामने वाला कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, बेकार है, अंबानी तो इसी ईयर में उसने तो 20 लाख प्रॉफिट कमाया है, तो आप क्या कंपैरिजन करोगे, आप क्या बोलोगे उसको। आपका इंस्टेंट रिएक्शन ये होगा कि उसकी कैपिटल भी तो देखो, उसका बिजनेस कितना बड़ा है, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो जो हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मिलते हैं, कितना हमने बिजनेस में कैपिटल लगा दी, कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर दी। सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, ये बेस्ड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कि थ्रू आउट द ईयर हमने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें मार्केट में कितना रिटर्न मिल रहा है जो नॉर्मली इस तरह के बिजनेसेस में एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है तो हम अपॉन 100 कर देते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब इसमें एक चीज और है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमें दे रखा होगा कि जैसे इस तरह के बिजनेसेस में 10% एक्सपेक्टेड है, या नॉर्मल रेट मार्केट में रिटर्न का, रिटर्न मतलब इंटरेस्ट का रेट, नॉर्मल रेट हमारा सपोज 12% है, तो नॉर्मल रेट हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि कितनी कैपिटल बिजनेस में चल रही है, तो ये सिंपल कैपिटल बैलेंस नहीं है, इसका मतलब है जो भी चीज ऑनर के हाथ में है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाती है, कैपिटल, जैसे अगर तीन पार्टनर हैं तो उनकी कैपिटल्स हो गई, उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस, क्योंकि उनके करंट अकाउंट भी तो उनकी कैपिटल का पार्ट है, ओवरऑल तो वो भी उन्हीं का क्लेम है ना, सो उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस प्लस
अगर बिजनेस में कोई रिजर्व रखे हुए, जैसे आप प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में रख देते हो जो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में समझा था, तो वो रिजर्व भी तो कैपिटल का ही पार्ट है ना। आप अगर ये डिसाइड ना करते कि ये रिजर्व रखना है तो ये रिजर्व भी तो पार्टनर्स में बट गए होते, सो रिजर्व आ जाएंगे। इसी तरह से हो सकता है कोई लॉसेस भी आपके पास पड़े हों तो वो लॉसेस कैपिटल में से कम कर देते हैं। और एक और चीज इसमें आती है, ये तो ऑनर की कैपिटल हो गई, ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका। कैपिटल बैलेंस करंट बैलेंस प्लस ऑल प्रॉफिट्स माइनस ऑल लॉसेस, ये तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, ये कैपिटल बिजनेस में लगी होनी चाहिए क्योंकि आप गुडविल बिजनेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, समझ रहे हो। मान लो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, लेकिन उसमें से आपने 4 लाख रुपीज किसी दूसरे बिजनेस में लोन दे रखे है। आपके पास पैसा बहुत था, आपने लगा दिया, लेकिन उतना आपका बिजनेस अभी फैला नहीं है, सो आपने 4 लाख का लोन किसी और को दे रखा है, या 1 लाख रुपीज आपने किसी कंपनी के शेयर्स में डाल रखे हैं, तो वो तो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है ना। तो जब कोई पर्सन आपका बिजनेस खरीदेगा तो वो उसकी कैपिटल का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग कि वो जाके दूसरी कंपनी में पैसा डाली, वो तो उस बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं ना। तो किसी कंपनी में उसे इन्वेस्ट करके अगर प्रॉफिट लेना होगा वो तो खुद से लेगा, उसमें आपकी गुडविल का तो कोई रोल नहीं होगा ना। सो इसलिए अगर कोई आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस की नहीं है, किसी और जगह पैसा डाला हुआ है, तो वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये होती है कैपिटल साइड अप्रोच, क्योंकि हमें कैपिटल निकालनी है तो हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस प्रॉफिट लॉस दे रखे हैं, हम निकाल देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। बट सपोज किसी क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, वो कैपिटल एम्प्लॉयड की बजाय हमें बता देते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज, तो उससे भी बात बन जाएगी। कैसे? क्योंकि जब हम बैलेंस शीट लेते हैं तो कंसिडर करो बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में एक तरफ आप लिखते हो कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल करंट अकाउंट, ठीक है ना। अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर आ जाता है करंट अकाउंट का, या ड्राइंग्स वगैरह आ जाती है, करंट अकाउंट ड्राइंग सब एक जैसा, सब ऑनर का है, ठीक है। अब रिजर्व्स और प्रॉफिट्स आ गए, इधर लॉसेस आ गए या एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस आ गए, जैसे कोई एक्सपेंस है वो अभी आपने राइट ऑफ नहीं किया तो वो भी आ जाएगा, है ना। तो अब बैलेंस शीट में क्या होता है, इस तरफ आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, सारी इन्वेस्टमेंट्स होती है जिसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है जो बिजनेस में लगा रखा है पैसा, और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से बाहर किसी और पर्पस के लिए लगा रखा है वो भी है। इस तरफ आपके पास सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि हमने तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर ली कैपिटल अप्रोच से, कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल, सो कैपिटल ले लिया, करंट अकाउंट प्रॉफिट लॉस ले लिए, और इसमें से ये माइनस कर दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो यही इक्वेशन में हो रहा है ना, कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस डेबिट बैलेंस माइनस लॉसेस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बट बैलेंस शीट का ब्यूटीफुल पार्ट क्या है कि बैलेंस शीट खुद एक इक्वेशन है, समझ रहे हो, ये खुद एक इक्वेशन है जो ये कहती है कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट बैलेंसेज प्लस रिजर्व प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, क्योंकि इसके दोनों साइड मिलती हैं, इज इक्वल टू करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस एक्सपेंसेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड करंट एसेट्स, ठीक है ना, ये सब है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस इक्वेशन में ये चीजें जो कैपिटल साइड अप्रोच की है उनको एक तरफ कर दूं और जो दूसरी है वो उनको मैं दूसरी तरफ ले आऊं, क्योंकि ये कैपिटल के साथ मैंने ले ली कैपिटल अप्रोच में, इसे मैं इधर ले आती हूं और एक्सटर्नल को इधर ले जाती हूं, तो क्या इक्वेशन बन गई, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट बैलेंसेस प्लस रिजर्व और प्रॉफिट माइनस करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, ठीक है, माइनस लॉसेस और एक्सपेंसेस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, है ना। ये इक्वेशन है, इनका सम इनके सम के इक्वल है, तो जो पार्ट्स मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट थे उनको मैंने एक तरफ ले लिया, तो बाकी क्या बच गया, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो जो ये है ये अमाउंट इसके इक्वल होना चाहिए, इजंट इट। और ये होगा भी क्योंकि ये तो बैलेंस शीट की इक्वेशन से निकला, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी तो मैं ये भी ले सकती हूँ। सो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट
माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इसमें से एक किसी क्वेश्चन में मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगी वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कितनी है। मुझे कैपिटल निकालनी है जो कैपिटल से बहुत इजी से निकलेगी, लेकिन अगर ये नहीं दे रखा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि ये बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन होती है। तो बैलेंस शीट में हम हमेशा दो तरह से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अगर एक पार्ट नहीं है तो उस बैलेंस शीट की इक्वेशन को ठीक कर लो, तो उससे हमें उसकी इक्वल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये यहां से आया, ठीक है ना। ये सबका सम, इन तीनों का सम इनके सम के इक्वल है। तो मैंने येलो वैल्यूज इकट्ठी कर ली क्योंकि येलो तो कैपिटल है। तो दूसरी साइड इक्वालिटी में ही आ गया, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो इनमें से कोई भी चीज लेके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। बट जरूरी नहीं है, हमारा क्वेश्चन में क्या है, कई बार हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होती है और ये होती है एवरेज, क्योंकि हम पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो कैपिटल भी एवरेज लेते हैं, मतलब शुरू में कितनी थी एंड में कितनी थी एवरेज कर लो। बट क्या है कि 12th क्लास में इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग आपका जो लेवल है वो सिंपल कैलकुलेशन का है। सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन होगी नहीं होगी, बहुत कम होगी, बट फॉर्मूले याद रख लो, कोई हर्ज नहीं होता। एवरेज की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा हायर लेवल पे आ जाता है जब आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे, बीकॉम ऑनर्स या और कोई स्टडी करते हो, बीबीए वगैरह, उसमें जब अकाउंट्स पढ़ोगे उसमें ये हायर लेवल होगा। बट राइट नाउ हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड ये होती है, ताकि अगर कुछ एक चीजें आ भी जाए इनमें से तो हमें पता हो। अब इसको एक सिंपल से क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम स्टेप वाइज इसे सॉल्व करते हैं। स्टेप दो ही है, सुपर प्रॉफिट और गुडविल, क्योंकि गुडविल किस पे बेस्ड है, सुपर प्रॉफिट पे। आप ये मान रहे हो, इनकी अंडरस्टैंडिंग मेथड की तब होती है जब हम उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि गुडविल हमारी एबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने की नहीं है। देखो गुडविल की कैलकुलेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल सब्जेक्टिव जजमेंट असेसमेंट। हर एक पर्सन का अपना असेसमेंट होता है, सो डिफरेंट पीपल थिंक डिफरेंटली। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रॉफिट कमा रहे हैं भाई, ये भी बहुत है, तो प्रॉफिट है मतलब कुछ तो गुडविल है ना, नहीं तो इतने लोग बिजनेस छोड़ के भी तो चले जाते हैं। सो वो ये मानते हैं कि प्रॉफिट इज द क्राइटेरिया फॉर गुडविल। सो उन्होंने कौन सा मेथड अडॉप्ट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब कुछ और लोग हैं, उनकी थिंकिंग ये है कि एवरेज नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें हर बिजनेस में, हर चीज में मिलता है। कहीं भी पैसा डाल दो बिना मेहनत के भी मिलता है। बैंक में डाल दोगे ऐसे ही 5-6% मिलने लगेगा, एफडी बना लो, ठीक है ना। सो जब वो पैसा मुझे मिल रहा है तो मैं बिजनेस में अगर पैसा डाल रहा हूं, अपना एफर्ट भी लगा रहा हूं, तो मुझे तो उससे कुछ ऊपर मिलना चाहिए ना। सो जो मुझे ऊपर मिलेगा वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। सो हर कोई बिजनेस में नॉर्मल रिटर्न कमा रहा है, सो जो नॉर्मल प्रॉफिट है मुझे अगर उससे कुछ ऊपर मिलता है तो वो मेरा सुपर प्रॉफिट है। सो मैं आपकी गुडविल तभी खरीदूंगा जब आप मुझे नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट दे रहे हो, अदरवाइज मुझे क्या जरूरत है आपका बिजनेस खरीदने की। गुडविल की कैलकुलेशन ही तब कर रहे होते हैं ना जब या तो बिजनेस की सेल हो रही है एज अ गोइंग कंसर्न, या फिर बिजनेस की ओनरशिप में चेंज आ रहे हैं। आप नया पार्टनर लेके आ रहे हो तो उसको कहते हो भाई गुडविल लेके आ, क्योंकि हमने तो इतने सालों से काम किया था, इतने पिछले 10 ईयर्स से हम बिजनेस चला रहे हैं, हमने इतना नाम कमा लिया, इतना हमारा प्रॉफिट हो गया, तुम आज आ रहे हो और आज से तुम सारे प्रॉफिट में अपना हिस्सा लोगे, तो तुम हमें गुडविल को पे करो, हमने इतनी मेहनत की थी इस बिजनेस को खड़ा करने में, ठीक है ना। सो एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, जब कोई रिटायर होता है तो वो कहता है मेरे हिस्से की गुडविल मुझे दे दो, मैंने भी तो मेहनत की थी। जब आने वाले से गुडविल ले रहे हो तो जो जा रहा है उसको भी तो दोगे। सो इसकी कैलकुलेशन ही हम तब करते हैं जब ऑनरशिप में चेंज आ रहा होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई, जब पार्टनरशिप खत्म हो गई, या बिजनेस की सेल हो गई, या 2-3 बिजनेस इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, अमलगमेशन हो गया, है ना। सो जब आप बिजनेस की सेल के टाइम पे या उसकी ऑनरशिप के चेंज के टाइम पे गुडविल वैल्यू करते हो, तो ये करते तो परचेज और सेल के लिए हो ना। गुडविल एक पर्सन को खरीदनी होती है, दूसरे को देनी होती है। सो वो अपने क्राइटेरिया, दोनों जने परचेजर और सेलर सोचते हैं कि गुडविल का क्राइटेरिया क्या हो, प्रॉफिटेबिलिटी इज द क्राइटेरिया या सुपर प्रॉफिट। सो नॉर्मल से ऊपर, सो खरीदने वाला तो यही कहेगा ना, मैं इस बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं और इतना पैसा मैं कहीं बैंक में डाल दूं तो मुझे फिर भी पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम मिल रही है, तो यहां मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं तभी गुडविल खरीदूंगा। सो गुडविल किस पे बेस्ड हो गई, सुपर प्रॉफिट, एवरेज जो कि नॉर्मल से ऊपर होना चाहिए। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, रिमेम्बर ये डिफरेंस नहीं है, ये एक्सेस है। नॉर्मल से ऊपर मिलेगा तो प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल में आप सुपर प्रॉफिट को कुछ ईयर्स के लिए खरीद लेते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक लॉजिक यही है कि आज आप गुडविल खरीद रहे हो, लेकिन ये गुडविल लाइफ टाइम आपके साथ नहीं चलनी है।
कुछ साल आप दूसरे पर्सन की गुडविल को यूज करोगे, ठीक है, जो उसने गुडविल कमाई है उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुडविल फेड होती जाएगी, आपका नाम होता जाएगा, तो आप अपनी गुडविल अर्न करोगे। सो ये जो परचेज्ड गुडविल होती है इसका लाइफ टाइम लिमिटेड होता है और इसे राइट ऑफ भी करना होता है, जो हमने डिफरेंस में पढ़ा था, तो इसे थोड़े टाइम के लिए खरीदते हैं। और ये सारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है बायर और सेलर की है कि सुपर प्रॉफिट लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, कितने ईयर की परचेज लेनी है। सो ये बहुत एस्टिमेशन है, पर्सनल जजमेंट है। सो ये हमें दिया होगा, इसमें कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इस बिजनेस में इतने इयर्स, इस बिजनेस में इतने, ये परचेजर सेलर मिलके डिसाइड करते हैं। तभी गुडविल के नेचर में हमने क्या समझा था कि इसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट और असेसमेंट पे, ठीक है। ये आ गया, अब इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं, राइट। सो टोटल कैपिटल ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख। सो देखो सिंपल सी बात है, कैपिटल बता दी, कैपिटल एम्प्लॉयड बता दी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आर 30,000, 36,000 एंड 42,000, कैलकुलेट गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स सुपर प्रॉफिट। सो जो मेन चीज है मेथड और कितने साल की परचेज। सो मेथड बता दिया, सुपर प्रॉफिट खरीदने 3 ईयर्स के एवरेज का, परचेज कब की करनी है, 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स की परचेज करनी है। सो गुडविल के स्टेप्स नोट कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एक लाइन में ये सॉल्व हो जाने वाला है। और इसमें गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, कितने इयर्स की परचेज। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक परचेज बताते हैं और एक एवरेज की, कितने ईयर का एवरेज। प्रॉफिट 3 साल का, सुपर प्रॉफिट 3 साल से लेना है, परचेज आप 2 ईयर्स की करोगे, गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स की परचेज है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट निकालो, यहां भी 2 स्टेप में कैलकुलेशन आएगी, मल्टीप्लाई तो करना है वैल्यू लिख के, तो अब वर्किंग नोट्स बनाओ। एवरेज प्रॉफिट, सो एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, देखो 30,000, 36,000 एंड 42,000, एडजस्टमेंट कोई नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे एवरेज कर लेते हैं, अब इसकी अपॉन 3, 36,000 पहला कंपोनेंट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं एब्रीविएशंस यूज कर रही हूं क्योंकि आपको जल्दी से समझा सकूं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR जो कि है मार्केट रेट, ठीक है, मार्केट रेट बोले या नॉर्मल रेट बोले एक ही बात है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे रखी है, तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, 15,000। सो कंपोनेंट सॉल्व हो गए, एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 15,000। सो कितनी आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 21,000। आप नॉर्मल से इतना ज्यादा कमा रहे हो, सो आपकी गुडविल क्या हो, सो गुडविल की वैल्यू आ गई 42,000, ठीक है। सो इस तरह से हम गुडविल को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक और देखते हैं, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स वाला भी देखेंगे, ठीक है। सो कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, कैपिटल तो दे रखी है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इजीली निकल आएगा। एवरेज सैलरी ऑफ पार्टनर्स इज 12,000 ईच, मतलब सैलरी देते हो पार्टनर को 12,000 ईच, सो 24,000 की सैलरी जाएगी आपके प्रॉफिट में से। प्रॉफिट है लास्ट ईयर्स का 72, 60 एंड 84। और आपको पता है जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये हमारा प्रॉफिट P&L से आता है, तो इसमें सैलरी तो नहीं दी है ना, तो सैलरी इसमें से काटनी पड़ेगी। कितनी आपका सैलरी है, 12,000 ईच, मतलब दो पार्टनर है शर्मा और वर्मा, तो 24,000 सैलरी आपकी कटेगी, तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले हम 2 स्टेप्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। अब जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट किया था, उसमें फोकस किस पे होता है, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे, उसमें उसकी बहुत एडजस्टमेंट्स आती है, क्यों, क्योंकि उसमें बाकी कैलकुलेशन इजी है, एवरेज प्रॉफिट ही तो निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करो गुडविल आ जाती है। यहां फोकस किस पे है, यहां फोकस होगा नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे, सो इसलिए इसमें एवरेज प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट्स कम दी होंगी। ओके, अब हमारे वर्किंग नोट्स। पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट, तो अब पहले पास्ट ईयर्स प्रॉफिट कैलकुलेट करो,
सो कैलकुलेटिंग एडजस्टेड पास्ट प्रॉफिट्स। अब हमें ईयर नहीं बता रखे हैं, लास्ट थ्री ईयर दिखा है, तो ईयर वन हो गया 72,000 माइनस 24,000, क्योंकि आपने सैलरी देनी है ना। वाई टू हो गया 60,000, उसमें से भी 24,000 सैलरी दो, 36,000, और लेटेस्ट ईयर का आपका प्रॉफिट है 84 माइनस 24, 60,000। ठीक है, तो आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। सो एवरेज पास्ट प्रॉफिट कितना हो गया, 48,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000 अपॉन 3, तीन साल का प्रॉफिट है, 1,44,000 अपॉन 3, 48,000। सो एवरेज प्रॉफिट सॉल्व हो गया। अब आ जाओ नॉर्मल प्रॉफिट पे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल तो दे रखी है 2,00,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%, 15 अपॉन 100, 30,000। सो हमारा कैलकुलेशन हो गई, एवरेज भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। सो 48,000 आप कमा रहे हो, जबकि नॉर्मली मार्केट में सबको कितना मिल रहा है, मार्केट रेट है 30,000 रुपीज मिलेगा। सो आप ज्यादा कमा रहे हो 18,000। सो आप 18,000 पे गुडविल वैल्यू करते हो एट टू ईयर्स परचेज। सो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 36,000, राइट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल, कि हमने ये देखा कि कितना हम प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। अब अगर यही आपका एवरेज प्रॉफिट होता तो ये नहीं आना था, आपने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इसको बाय कर लो, राइट। अब अगला लेते हैं हम क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 7,50,000। सो वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट तो अब दे रखे हैं, ओके, विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो एडजस्टमेंट दे दी, ये तो एवरेज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है ना। अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके प्रॉफिट बढ़ गए। आप स्टॉक को हमेशा जब वैल्यू करते हैं, हम एंड में कर रहे होते हैं, तो आप इसमें एक जनरल सी चीज समझो, ये मेरा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, ये आपने बनाया हुआ है फर्स्ट ईयर में। अगर आप अपना स्टॉक ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा, अगर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा देते हो तो इसका आपके प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस। यहां तक डेबिट का टोटल करते हो, क्रेडिट का टोटल करके इसमें से डिफरेंस ले लेते। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, यहां आपने 10,000 ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। यहां मान लो स्टॉक आपका 50,000 है, तो 50 में से ये माइनस करोगे और आपका प्रॉफिट आएगा। अगर आपका स्टॉक आपने गलती से 60 लिख दिया तो 60 में से माइनस करोगे तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ गया। क्रेडिट साइड बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि प्रॉफिट होता है क्रेडिट माइनस डेबिट, यही है ना प्रॉफिट, अदरवाइज तो लॉस होता है। प्रॉफिट होता है क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, तो अगर क्रेडिट साइड बढ़ा के लिख दिया तो प्रॉफिट भी बढ़ के ही आएगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो इसे ठीक कैसे करेंगे, इसे कम करना पड़ेगा। ये मिस्टेक है ना, आप ओवर वैल्यू करते हो, ओवर वैल्यू थोड़े ना करना होता है। सो ये मिस्टेक है, इसका रेक्टिफिकेशन क्या है, आप माइनस करो प्रॉफिट में से इसे, ओके। अब कैपिटल इन्वेस्टेड 4,20,000, तो ये तो दे रखा है इजीली, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, वेरी गुड। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 50,000, तो पार्टनर की रेम्यूनरेशन भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपका बिजनेस खरीदेगा वो आपका बिजनेस खरीदेगा, आपको तो साथ में नहीं लेके जाएगा ना एज अ पार्टनर। इसका मतलब आपकी जगह उसको मैनेजर रखना पड़ेगा, तो जो रेम्यूनरेशन आपको पार्टनर को मिलती है या ऑनर जो रेम्यूनरेशन लेता है, दूसरे पर्सन को वो किसी और को देनी पड़ेगी। सो इसलिए ये रेम्यूनरेशन भी माइनस करनी होगी। सो हम क्या करेंगे, पहले अपने स्टेप्स लिखते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है ना। सो सारी कैलकुलेशन हम पीछे लिख देते हैं, छोड़ देते हैं वर्किंग नोट के लिए। ये चीज मैंने तब नहीं की थी जब मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा रही थी, क्योंकि उसमें फोकस ही एवरेज प्रॉफिट पे था। गुडविल तो सिंपल है, गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, तो वो तो ईजी था, तो एवरेज प्रॉफिट ही मेन कैलकुलेशन थी।
सो इसलिए एवरेज पहले सॉल्व किया फिर गुडविल सॉल्व कर ली। यहां क्योंकि स्टेप्स आ गए हैं तो हम ये दो स्टेप्स लेंगे और गुडविल सॉल्व करेंगे। अब पहली चीज एवरेज प्रॉफिट वर्किंग नोट पहला। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 7,50,000 माइनस 30,000। ये आप समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया है। आपने स्टॉक बढ़ा दिया, क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट होता है क्रेडिट माइनस डेबिट। सो अब इसको ठीक करो, ये तो मिस्टेक है, ठीक कर दिया। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या थी? पार्टनर को रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी। ओके, सो 6,70,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। दूसरी चीज है नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो दो कैलकुलेशंस करनी है। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 42 लाख सॉरी 42 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो ये आ गया 6,30,000। ठीक है, सो गुडविल क्या आ गई? 6,70,000 माइनस 6,30,000 दैट इज 40,000। और ये सॉरी सुपर प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 40,000 इंटू कितने इयर्स की परचेज? गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज, सो 5। सो गुडविल आ गई आपकी 2,00,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व। स्टेप पहले लिख लो जो सिंपल स्टेप्स है, फिर सारी कैलकुलेशन पे आ जाओ, ये ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन नहीं होती है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारे जो सुपर प्रॉफिट के सिंपल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट भी तो समझना है ना, आ सकता है आपका ये भी। अब देखो इसमें है अमित एंड अयूब आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जसपाल इन टू द फर्म ऑन 1st April, दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स। ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। गुडविल को परचेज करना है 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स परचेज, और एवरेज किसका लेना है? 5 इयर्स का। ओके, सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? पहले सुपर प्रॉफिट विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आप खरीद रहे हो ना सुपर प्रॉफिट को। सो गुडविल हो गई सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आ जाओ वर्किंग नोट्स पे। तो वर्किंग नोट में नंबर 1 होता है एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स पहले कैलकुलेट करो, पास्ट प्रॉफिट्स, क्योंकि यहां पर हमें जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं उसमें कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं। 15-16 का प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 16-17 भी ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर क्या हो गया आपके पास, ये पहले लिख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास? 1,00,000 रुपीज है, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था 1,00,000 रुपीज का। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? कोई स्टूडेंट ये सोच सकते हैं, ओ ये तो लॉस है, माइनस कर दो। नो, क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, इसमें ये आपने लिखा हुआ है, हमें तो इनका इफेक्ट कैंसिल आउट करना है, क्योंकि जो आपका बिजनेस खरीदेगा उसको थोड़ा ना ये एबनॉर्मल लॉस होने वाला है। ये कोई हर साल हो रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग एवरी ईयर। ये इस पर्टिकुलर ईयर में ये लॉस हुआ, इससे आपका प्रॉफिट भी देखो कम हो गया उस ईयर में काफी, बट ये लॉस की रिपीट वैल्यू नहीं है, ये तो होने नहीं वाला आगे। सो इसको एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है? लॉसेस को एड बैक करने, तो आप इसको इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए एड बैक करते हो। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर क्या हो गया आपके पास? गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, तो गेन भी तो रिपीट नहीं होगा ना। एबनॉर्मल का मतलब है ये तो वंस इन अ वाइल होता है, तो इसको थोड़ा ना दोबारा से हम लिखेंगे। सो इसको भी माइनस करो, नोबडी इज गोइंग टू पे फॉर दिस। और अगर किसी एक बार के एबनॉर्मल लॉस से आपकी गुडविल कम हो जाए तो ये भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि आपका बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट देखना है हमें। ओके, सो पास्ट प्रॉफिट हो गए हमारे 2,02,000 और 2019-20 में आ गया 2,40,000। सो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सम टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स 1,50,000, 1,80,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000 अपॉन 5, क्योंकि आपने 5 इयर्स का एवरेज लेना है। सो कितना आ जाएगा ये? अब ओके, सो 9,90,000 अपॉन 5, ये आ गया 1,98,000। अब आ जाओ नॉर्मल प्रॉफिट पे।
तो उसके भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे दे रखे है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सो ये तो हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, 1,50,000। ओके, सो आपका यहाँ पे 1,98,000 माइनस 1,50,000 आ गया 48,000। सो गुडविल क्या आ जाएगी, 48,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 ईयर्स। सो 3 ईयर्स के लिए परचेज करना है, सो 1,44,000। अब क्या होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे क्वेश्चन में, ये इन जनरल है सब तरह के क्वेश्चंस में, हमारे क्वेश्चन में काफी वर्किंग होती है, कहीं वर्किंग नोट्स बन रहे हैं, तो जब एक स्पेसिफिक आंसर पूछा होता है ना, हमें क्या चाहिए अपने एग्जाम्स में, उसको हमें हाईलाइट करना है। तो आप इसको इस तरह से आंसर लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन देखे वो डायरेक्टली यहां देखेगा कि ये आंसर है। अगर ये आंसर ठीक है तो मोस्टली क्या होता है कि आपका आंसर करेक्ट मान के क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, अदरवाइज फिर वो स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं। यहां गुडविल का आंसर ये आया है तो ये आंसर है, यहां लिखोगे आंसर। अगर आप अपने साथ हाईलाइटर ले जाते हो एग्जाम्स में, अलाउड है आपके बोर्ड में, तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो कि भैया ये आंसर है, ये देख लो ये मैंने सॉल्व किया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या है, हमारी वर्किंग भी क्लियर होनी चाहिए, स्टेप्स भी क्लियर होनी चाहिए। तो हमने स्टेप्स 1-2 करके किए और वर्किंग नोट्स अलग से बनाए, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर को चेक करने में भी इजी होता है, तो फिर हमें एग्जाम में मार्क्स हमारे कटते नहीं है। ऑलराइट, सो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड आई होप क्लियर है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी टेक अप सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस और लेंगे जिसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे होंगे, और उसके बाद हम करेंगे मिसिंग वैल्यूज का एक क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आपके जो एग्जाम्स पिछले आप देखते हो तो कुछ कई बार होता है मिसिंग आपकी वैल्यूज होती हैं, मतलब ये फॉर्मूले लगा रखे हैं, ठीक है, कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको सॉल्व करना है, सो वो हम मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।